माननीय अध्यक्ष जी, रमेश जी बोलिए ना, यू लूज योर टाइम, यू लूज योर टाइम, जस्ट वन। माननीय अध्यक्ष जी, रमेश जी, मैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संशोधन विधेयक 2017 पर अब बोलने के लिए खड़ा हूं, जिसके अंतर्गत चार विधेयक प्रस्तुत हैं। मैं समझता हूं कि ये आर्थिक सुधारों की दशा में एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में या बिल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, चाहे वह विश्व बैंक हो, वैश्विक औद्योगिक नेतृत्व हो या नीति निर्माण हो, सर्वत्र इस क्रांतिकारी कदम का पुरजोर स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में आम आदमी को आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तता का अधिकार मिला है, और मैं इन दिनों में जबकि आज संविधान संशोधन के ये अवसर है, मैं संविधान की उद्देशिका की प्रथम पंक्ति को उद्धृत करना जरूरी समझता हूँ, जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। श्रीमान आज इस संविधान के इस उद्देश्य को आज का दिन पूरा करता है, और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, अपनी सरकार को, वित्त मंत्री और उनके सहयोगियों को बहुत सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीमान, मैं समझता हूँ कि वस्तु सेवा कर और लागू करने की जो प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प, ये देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर है। यह कदम जहां हमारे संविधान की मूल भावना को परिलक्षित करता है, वहीं केंद्र और राज्यों दोनों के कर प्रशासन को पारदर्शी सुप्रभावी बनाने के साथ उच्च राजस्व संग्रहण में एक नया इतिहास रचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पिछले समय से जो भारत में आर्थिक तंत्र की मजबूती की दिशा में कदम प्रधानमंत्री जी और सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं वो ऐतिहासिक, और इस अवसर पर मैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूं। वर्ष 2000 में कर सुधार की आवश्यकता महसूस करके उन्होंने सबसे पहले एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें असीम दास गुप्ता जी को अध्यक्ष बनाया था, और उसके बाद उनके ही कुछ नेतृत्व में 2003 में सर्वप्रथम केलकर समिति ने जीएसटी की रूपरेखा रखी थी, और आज 2003 से लेकर के 2017 की इस यात्रा में तमाम पड़ाव आए, तमाम बैठकें हुई, और आज वो अंततोगत वो ऐतिहासिक दिन आया जब भारत के संविधान में संशोधन कर एक जीएसटी के बिल को पास करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। श्रीमान, जीएसटी को यदि देखा जाए तो मेरे मित्र तमाम कह रहे हैं कि क्या लागू, यदि उसको संक्षिप्त में देखा जाए तो काले धन पर लगाम लगेगी, कर से सारी जटिलताएं दूर होंगी, कर चोरी नहीं होगी, कच्चे माल से लेकर के माल पूरा एक प्रक्रिया कंप्यूटर में दर्ज होगी, हम विश्व प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकेंगे, और आज कहाँ है श्रीमान हम, अधिक राजस्व प्राप्त होगा, कर दरों और संरचनाओं में एक रूपता आएगी, विनिर्माताओं और निर्माताओं को सीधा और सीधा लाभ मिलेगा, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन होगा, किसी भी राज्य में समान टैक्स से दामों पर नियंत्रण होगा, वस्तु सस्ती होगी, सामग्री सस्ती मिलेगी, और टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी के लागू होने पर श्रीमान विभिन्न प्रकार के टैक्स स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, और उद्योगपति, व्यवसायी और आम आदमी की गर्दन पर जो ये इंस्पेक्टर राज की जो तलवार लटकी रहती है वो नहीं लटकेगी, न इंस्पेक्टर राज होगा, न करों में चोरी होगी, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी श्रीमान। चाहे एकीकृत कर प्रणाली हो, चाहे एकल आबादी बाजार हो, चाहे प्रवेश कर में छूट हो, चाहे सम्मान दर हो, और चाहे केंद्र के उत्पादन शुल्क की समाप्ति हो, विवाद समाप्त होंगे, तमाम प्रकार के एक नई श्रीमान
तमाम और तमाम ये जो एक्ट है, जो ये संविधान संशोधन के जो ये धाराओं में उल्लेख करके 5 कानून बनाने की बात है, उसमें सभी को समाहित होता है। और जिस तरीके से जीएसटी लागू होने पर लगभग 1 से 1.5-2% की हमारी जीडीपी बढ़ेगी, उसे निश्चित रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप और स्टैंड अप जैसी क्रांतिकारी अभिनव योजनाएं निश्चित वो लागू होंगे और उस दिन बेरोजगारी भी दूर होगी, एक नया इतिहास रचा जाएगा। श्रीमान, मैं समझता हूं कि हमारा तो सपना ही श्रेष्ठ भारत का है, समृद्ध भारत का है, सशक्त भारत का है, स्वस्थ भारत का है, स्वच्छ भारत का है, स्वाभिमानी भारत का है, स्वावलंबी भारत का है। और टीम इंडिया, सबका साथ सबका विकास, इसी से लागू होगा श्रीमान। और इसलिए ये कई माने में बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, जब मैं उधर से सुन रहा था तो मुझे पीछे याद आता था, मैंने वित्त मंत्री के रूप में और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में जब वेट और इस पर चर्चा हो रही थी तो राज्य के वित्त मंत्री के रूप में और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देखा और लागू किया। मैं पहला व्यक्ति था जब मैंने वेट का बहुत विरोध किया, लेकिन इम्पावर्ड कमेटी के इस आश्वासन के बाद कि 5 वर्ष तक यदि कोई राज्य में क्षति हो रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी, हमने पहले ही वर्ष में उत्तराखंड के मामले में कर संग्रहण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और 1.5 गुना ज्यादा वृद्धि हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों को, जिनके मन में शंका है इसको लेकर के, वेट को लेकर के भी हम तमाम लोगों में यही शंका थी, वो भी निर्मूल साबित हुई। और निश्चित रूप में जब जीएसटी जब 1 जुलाई से वो शुरू हो रहा है तो तमाम शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। वैसे भी मैं ये समझता हूं कि यदि जीएसटी का काउंसिल बना दी गई है, एक सेंट्रल काउंसिल है और राज्यों में काउंसिल है और उसमें 31 राज्यों के प्रतिनिधि हैं और उसमें ये भी व्यवस्था है कि वो कानून बना वो अपने सुझाव दे सकेगी और केंद्र सरकार उसमें संशोधन कर सकेगी, तो कहाँ शंका होती है श्रीमान। मैं समझता हूँ कि नियम बनाने की शक्ति उसमें है कि जीएसटी परिषद द्वारा दी गई कोई भी अनुशंसा नए नियम बना सकती है जिन्हें आधिकारिक गजट के माध्यम से अधिसूचित किया जा सकता है, ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का। आधार वर्ष वित्त वर्ष 15-16 को आधार वर्ष मानकर राज्यों की संपूर्ति राशि का आंकलन किया जाएगा, किसी भी राज्य को इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। राजस्व की जो क्षतिपूर्ति है सरकार के द्वारा जिन करों को जीएसटी में समाहित किया गया है, यदि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऑडिट के आधार पर उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी, फिर कहां दिक्कत है। छूट में प्राविधान है, अगर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को यदि उसमें अपने राज्य में उद्योगों को छूट देनी है, जैसे कहा जा रहा साहब पिछड़ापन है और तमाम है और राज्य उसको सुविधा देना चाहते हैं, कौन रोक रहा है श्रीमान। जीएसटी काउंसिल उसमें इजाजत देती है कि दोनों और राज्य सरकार उसे जीएसटी काउंसिल में लाए और भारत सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के उसकी मदद करेंगे। राज्य संपत्ति निधि में जमा न होने वाला राजस्व, जिसको जो सीधा राजस्व मंडी समितियों हो चाहे स्थानीय निकाय का हो, अब वो राजस्व की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जो पहले राजस्व की श्रेणी में सम्मिलित होता ही नहीं था, इसमें भी किसी को क्या दिक्कत है। दूर दूर तक भी मैं सोचता हूँ राज्यों को कोई दिक्कत। जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति के लिए उपकर गठित कर दिया गया है, जो संसाधनों को जुटाएगा और जो भी राशि जिस भी राज्य को क्षति होगी ये उपकर से जो है उसमें आपूर्ति होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि कोई राज्य यदि उसको क्षति हो रही है तो उसमें दिक्कत होगी। ये कहा जा रहा है बार बार कि 5 वर्ष तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा। मैं सोचता हूँ पहले ही वर्ष में सब ठीक ठाक हो जाएगा, 5 वर्ष तो आने भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि 5 वर्ष बाद भी होता है तो जीएसटी काउंसिल जो सेंट्रल काउंसिल है, जो राज्यों में काउंसिल बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है, उनको ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद उसने काम ही नहीं करना है। मैं समझता हूँ कि ये अदायगी आवृत्ति अदायगी के लिए माह में 2 बार प्राविधान किया गया, जो कहा जा रहा था तो कम नहीं, इसमें ऑलरेडी है कि महीने में 2 बार जो है इसमें प्राविधान है। और प्रस्तावित जो विकास की दर है वो राजस्व सम्मिलित करने की विकास दर 14% प्रतिवर्ष ये भी तय की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जीएसटी की संपूर्ति की निधि की स्थापना है उपकर के माध्यम से होगी, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
राज्यों को क्षति होगी, उसकी पूर्ति होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी कानून एक राज्य से दूसरे राज्य में जैसे कहा जा रहा था, यदि उनमें कोई दिक्कत है तो यदि स्टेट उसका समाधान निकाल सकते हैं तो सेंट्रल काउंसिल बनी हुई है और उसको भी पूरे अधिकार दिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ अध्यक्ष जी कि ये जो आज का दिन है ये भारत के इतिहास में एक अभिनव है और ये ऐसा दिन है जब देश में आर्थिक क्रांति की दिशा में ये नींव का पत्थर साबित होगा और हम पूरी दुनिया में अपने को और तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, मैदवाल साहब को और गंगवा साहब को, इनकी पूरी टीम को मैं बहुत देना चाहता हूं कि ये ऐतिहासिक कदम है और इस कदम का सर्वत्र सराहना होनी चाहिए। और जिनके मन में मौली साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैंने कुछ चीजों को नोट किया था, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप भी निशंक हो जाइए इस बिल के बारे में। आप निशंक हो जाएंगे तो अपने आप सब ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।